हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, आज हम अपने आपके लिए लेके आए हैं इंग्लैंड के कलाकार, जो हमारा हम लोग बरोक रोको को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि अभी 17वीं-18वीं शताब्दी में चल रहे हैं वेस्टर्न आर्ट के, तो इसी की हम लोग अब इंग्लैंड के कुछ कलाकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, इन लोगों इनके ये आर्टिस्ट जो आपको सामने दिख रहे हैं और भी हैं अन्य जो आज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका आर्ट वर्क्स, इनका आर्ट स्टाइल पढ़ने हैं बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज ये वीडियो सेपरेट इसके लिए लेके आए हैं। ठीक है, 17th-18th century में जो इंग्लैंड की कला है उसको आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर कोई वीडियो ये पहली बार देख रहा है तो आपको पहले बता दूं, वेस्टर्न आर्ट की हम लोग प्रागैतिहासिक से लेके आज 17वीं-18वीं शताब्दी तक आ चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यू क्लासिज्म, जिसको नवशास्त्रीयतावाद बोलते हैं, कला आंदोलन जिसमें स्टार्ट होने वाले वो वाले रहेंगे। ठीक है, कला आंदोलन के वीडियो सेपरेट आएंगे, एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक में जाके, चैनल पर जाके देखिए और आप मुझे अगर कुछ भी डाउट है एग्जाम को लेके इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे सेपरेट ग्रुप है। प्लीज़ नहीं है तो भी जुड़ो, कोई बोलते हैं कि डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट करें तो आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इंग्लैंड के कलाकार जो आप लोग बोल रहे थे, एक बार थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाह रही थी मैं। थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है इन समय में आके, क्योंकि अभी क्या क्या होता है मैं बता रही हूँ, एक मिनट देखिए। सबसे पहले ये है कि इंग्लैंड का क्या, समझिए थोड़ा सा एक। तो देखिए, हम लोग जो ये वर्ल्ड है हमारा, ओके, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से अभी हम लोग यूरोपियन आर्ट पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, कैसे, ये इसको आप ऐसा कट करो, ये एशिया है ना, एशिया है, एशिया में ही इंडिया आता है, चाइना आता है, पता है, तो इंडिया चाइना की कलरी, इसलिए इसको ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है जिसको कहते हैं पूर्व। ठीक है, तो ये पूर्व की कला के अंदर आता है ना, जो आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी हमारा पार्ट क्या है, हमारा पार्ट पश्चिम की कला है, ये पश्चिम जो तरफ है, मीन्स वेस्ट है, तो इसलिए हम उसको पश्चिम की कला कहते हैं, वेस्टर्न की कला बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपको वेस्ट में आ जाता है, जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट है यूरोप भी, एक ये कॉन्टिनेंट ये इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो लेकिन जिस तरह की इंडिया, भारत में भारतीय कला बहुत अच्छी सी पनपी है ना, बाकी आर्ट, बाकी अपन बहुत सारे जगह छोड़ देते हैं ना, बहुत सारे देश हैं, रशिया है ना, और छोटे छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, हम यहाँ की क्यों कला नहीं पढ़ते, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई पढ़ने लायक चीज़ नहीं है जिस तरह से इंडिया में है, जिस तरह से यूरोप में है। क्या हम भारत में होके भी हम यूरोप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ही सारे कला आंदोलन चले, वहीं से कला शुरू हुई मानी जाती है ना, सबसे पुरानी भी वहीं की, तो इसलिए हम लोग यूरोप पढ़ते हैं, ओके, नो डाउट। लेकिन अब हम यूरोप में भी क्षेत्र अलग अलग थे और इसलिए अलग, जैसे अब भारत में भी तो आप इंडिया साउथ का पढ़ रहे थे, वेस्ट का पढ़ रहे थे, ईस्ट का पढ़ रहे थे, नॉर्थ में क्या हुआ, अलग अलग राज्यवंश सब पढ़े थे ना आप लोगों ने, अलग अलग एरिया के थे, एरिया आप समझ जाते हैं उसमें, वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार इसको देख लो, एक मिनट। तो पूर्व की कला के अंदर तो ये चीज़ आ जाती है और जो पश्चिम की कला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम यूरोप के अंदर फोकस कर रहे हैं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका में भी जो आर्टिस्ट, वो हम मोस्टली 17वीं-18वीं-19वीं शताब्दी का ही देखते हैं, उससे पहले कोई ज़्यादा सा बताने की चीज़ है नहीं, इसलिए उसमें भी देखते हैं, कोशिश करूँगी कि साथ में वो भी कर लें अपन साथ साथ, लेकिन अभी हमारा फोकस यूरोप पे। अब हम यूरोप में आगे देखते हैं, तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करने के लिए सोचा था, तो देखिए ये यूरोप का आपका पूरा, ये रशिया दिख रहा है आपको, उधर से हटा दो इसको, और ये यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, ओके। अब आप लोग देखो, तो अभी तक हम लोग पुनरुत्थान काल पढ़ चुके हैं, रोकोको बरोक सबके सेंटर्स पढ़े हैं, है ना, उससे पहले क्या था, तो देखो सबसे पहले आप लोग उनको छोड़ दो, मैं बोलूँगी इजिप्ट है ना, मेसोपोटामिया, इनको सबको छोड़ दो, उसके बाद से हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या था, ये ग्रीक, देखो यहाँ सॉरी, ये रहा ग्रीस दिख रहा है, रोम, ये क्या है, ये यहीं पे, यहाँ पे जो जो सेंटर्स, जो जो एरिया, जहाँ जहाँ जिस समय कला बहुत अच्छी बड़ी है ना, और जो पीरियड्स, जो उस पीरियड्स के नाम से कहलाया, हमने वहाँ पे स्टडी कर ली, तो ये सब किसके पार्ट हैं, यूरोप के पार्ट हैं, है ना, ये पोलैंड देखिए, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, याद करो आप, है ना, कौन फ्लेमिश कलाकार हैं, कहाँ, इटली, इटली पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पुनरुत्थान में नहीं पढ़े हो तो आपकी जय, है ना, फ्रांस, स्पेन, ये क्या था, यहाँ से इधर जाते थे, इधर से इधर जाते थे, स्पेन के कलाकार देखे हैं, वेलास्क्वेज देखे हैं, है ना, फ्रांस के कलाकार देखे हैं, अभी आपने
फ्रांस में तो यही वटेव और ये सब रोकोको के कलाकार भी देख लीजिए आप लोग, है ना, और 7वीं 8वीं शताब्दी यथार्थवाद ये सब चीज़ें स्पेन के देखे, हॉलैंड में देखा, फिर आते हैं अपन इटली है, इटली में तो सब रेनाइसेंस देखे ही हैं, इधर से उधर आते थे, उधर से इधर जर्मनी नीदरलैंड के कलाकार हैं, है ना, वो तो ये सब क्या है आप बताओ, ये क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ ये लोग सब आ रहे थे आर्टिस्ट लोग। अब बात आती है अपन जो अब पढ़ने वाले हैं आज, वो क्या है, वो ये थोड़ा दूर है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, ये इंग्लैंड यूके यूनाइटेड किंगडम, ये वाली जो यहाँ पे कलाकारी कैसी थी, अपन यहाँ तो ये देखो शुरुआत से ही देख रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर कुछ कुछ चीज़ें है ना इस टाइम पीरियड में, है ना 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी इन सब चीज़ों में यहीं पे यहीं के आसपास चीज़ें थी, है ना, आपको सामने आप देख सको, जो कुछ रह गया हो देख लेना आप लोग। लेकिन अब ये यूके यहाँ पे क्या था, यहाँ ये एरिया अलग है, ये एरिया सबसे अलग है, थोड़ा अलग हटके देखो, ये सब जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते थे, बट ये यूके में क्या था कला, तो उसके बारे में हम जो है अब देखने वाले हैं इंग्लैंड में क्या था, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए 8वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कई उल्लेखनीय कलाकार नहीं थे, 8वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड में कोई ज़्यादा उल्लेखनीय कलाकार नहीं थे, जो विदेशी कलाकार यहाँ आते थे जैसे कि हॉलबीन है, रुबेंस हैं, वान डैक हैं, कि ये लोग क्या करते थे, जो वहाँ से क्योंकि कलाकार है घूमते रहते थे फिरते रहते थे, अपन बताते थे बताए हैं राजाओं का के चित्रण किए हैं, राजाओं के पोर्ट्रेट्स बनाए, राजा उनको हायर करते थे कलाकारों को, सब महान कलाकार चाहे पुनरुत्थान के हों, चाहे बरोक हो, रोकोको हो या उसके पहले के हों, ठीक है, तो ये कलाकार क्या करते थे, यहाँ पे आते थे विजिट करने आते थे, और उसी के उस पर वहाँ पे कला चल रही थी, है ना, यहाँ पे कोई एक तरह से बोलेंगे बेसिकली कोई कार्य नहीं हो रहा था, वहीं से काम चल रहा था, ऐसा वहाँ पे कोई कला नहीं बनती थी। एलिजाबेथ के समय निकोलस हिलिक आई, एक चित्रकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार तथा लघु चित्रकार थे, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के समय, ठीक है, इस प्रकार का लोकप्रिय कलाकार था, किंतु इन सभी विदेशी कलाकारों के सामने इनकी प्रतिभा छुप गई, क्योंकि ये इतने महान कलाकार थे, तो इन लोगों के सामने इनका ही कार्य इनके यहाँ चल जाता था, एक तरह से भले वो परदेसी हैं बट इनका कार्य इनके यहाँ चल जाता था, तो वो चीज़ें वो इफेक्ट के कारण शायद 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले तक इंग्लैंड में कोई आर्टिस्ट टिक नहीं पाया, मतलब और ज़्यादा कुछ कलाकार पढ़ने लायक होता नहीं था, लेकिन ये कुछ थे उस समय भी, इस समय भी इनकी वो ज़्यादा नहीं चल पाई थी इन आर्टिस्टों के कारण, जो आते करते रहते थे, वहाँ के राजाओं को इम्प्रेस करते थे, वहाँ का उन्हीं से काम चल करवा लेते थे ये लोग, और यहाँ अपने वालों को ऐसे ही रख देते थे, वो वाली बात है। निकोलस हिलार्ड एक पेंटर थे, स्कल्पचर ये तो देख लिया आपने, उसके बाद लघु चित्रण की कला ट्यूरर और स्टुअर्ट शासनकाल में भी चलती रही, ट्यूरर और स्टुअर्ट शासनकाल में भी लघु चित्रण जो मिनिएचर्स हैं उनकी वो चलती रही। इजाक ओलिवियर तथा उसका पुत्र पीटर ओलिवियर ने छोटे और सुंदर चित्रों की रचना करी जो ब्रिटेन में बहुत फेमस हुए, ठीक है, उस जगह पे ये एक और आर्टिस्ट हैं ओलिवियर, इनने भी छोटी छोटी, ये शुरुआती आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए बट इनने कोशिश की थी यहाँ बनने की, है ना, कोशिश की थी, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाई ना, इतने फेमस कहाँ हो पाए, आप जानते हो ढंग से नाम इन लोग के जानते भी हो नहीं जानते, लेकिन शुरुआती इनने कोशिश करी थी, इसलिए इनको हमको देखना जरूरी है। अब आते हैं कुछ आर्टिस्ट जैसे देख लेते हैं इसमें, तो देखो विलियम डॉब्सन 1610-46 के आर्टिस्ट हैं, लंदन में इनका जन्म हुआ था, है यहीं के, है ना, अब आ गए यहाँ के भी कोई कलाकार हैं जो ऑबरी इनके समकालीन लेखक थे, तब इंग्लैंड में उत्पन्न हुए समस्त कलाकार से सबसे अधिक प्रतिभाशाली ये मतलब थे, ठीक है, कौन, डॉब्सन विलियम डॉब्सन है, जो कि इनके ऑबरी इनके जो समकालीन लेखक हैं उनने ऐसा कहा था कि ये इंग्लैंड में उस समय जो उत्पन्न हुए वे अलग कलाकार हैं ना उनके से सबसे प्रतिष्ठित थे, लंदन में जन्म हुआ था, कहा जाता है कि वान डैक के भी शिष्य रहे होंगे डॉब्सन, ठीक है, उसने इसके समान ही इंग्लैंड में दरबारों में अपनी अच्छी जगह बना ली थी, किसने, डॉब्सन ने, जैसे कि वान डैक ने बनाई थी, ओके। अब आते हैं, उसने अधिक गाढ़े रंग और औजनापूर्ण आकृतियों का प्रयोग किया था विलियम डॉब्सन ने, और जो वान डैक के समान दरबार में अपनी सामाजिक स्थिति भी बना ली थी। अब आते हैं, वो बहुत अल्प आयु में ही उनकी डेथ हो चुकी थी डॉब्सन की। डॉब्सन ने दरबार से संबंधित सभासदों तथा राजपूतों आदि के अनेक चित्र अंकित किए थे, इसका प्रमाण का उल्लेख ज़्यादा इसके प्रमाण का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से राज
है ना चित्र राजपूत सभा के जो भी है उनकी इनने चित्रण करी थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि डॉब्सन जो है इंग्लैंड के कलाकार हैं और क्या बोलते हैं इस समय के ये कलाकार माने जाते हैं। और कलाकार देखें तो पीटर लेली, ये क्या है, थोड़े छोटे हैं मतलब, तो इससे मैंने जल्दी जल्दी इसको अपने को कवर करना है। इनका असली नाम था वॉन डर फियास। क्या नाम था? वॉन डर फियास। जर्मनी के एक डच परिवार में ये जन्मे थे, ठीक है। शिक्षक इनके पीटर द ग्रेवर इनके शिक्षक थे, ठीक है। 1637 में हॉर्लेम के गिल्ड में एक कलाचारी बन गए थे ये, कौन? पीटर लेली। फिर 1647 में वो इंग्लैंड आ गए। अब देखो इनका जन्म तो हुआ कहाँ हुआ था, सॉरी जर्मनी के एक डच परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये 1647 में ही ये इंग्लैंड आ गए थे। उसने ग्रैबर से मिली जुलती शैली का चित्रण किया। ग्रैबर उनके शिक्षक थे तो उसी से मिलती जुलती चित्रण का उन्हें चित्रण किया। किसने? पीटर लेली ने। लेली ने स्टोरेशन टेक्निक चित्र बनाया और वो व्यक्ति चित्र की धुआंधार रचना करने लगे, ठीक है। स्टोरेशन चित्र शीर्षक का चित्र भी बनाया उन्होंने, रिस्टोरेशन, और व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी करने लगे, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए ये एक ऐसे ही पोर्ट्रेट इन्हीं का है बनाया गया, ये चित्रण भी पीटर लेली का है। अब विलियम हॉगर्थ, अब जो बात है अब समझ लो, अभी तक वो मैंने क्या बोला था, एक नाम याद रखना है, थोड़ी सी शैली याद करनी है, डॉब्सन है, पीटर लेली है, थोड़ा कम कर, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, इनको ढंग से पढ़ लो थोड़ा सा। विलियम हॉगर्थ वो भी आता है तो ये देख लेते हैं। चलिए इनका नाम वो नहीं लिखा हुआ है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बताती हूँ, रुको, 1697 से 1764 ऐसा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड है विलियम हॉगर्थ का। बाकी हम पढ़ते हैं इन महान कलाकार के बारे में, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड की कला का प्रथम महान कलाकार माना जाता है, पहले ही मैंने आपको वॉर्न कर दिया कि अब इनको ढंग से पढ़ लेना, मतलब यही समझ लो इंग्लैंड की कला के ये प्रथम महान कलाकार माने जाते हैं। उसे प्रथम महान राष्ट्रीय ब्रिटिश कलाकार भी कहा जाता है, ब्रिटिश कलाकार भी इन्हें कहा जाता है, अंग्रेज कलाकार, है ना, प्रथम राष्ट्रीय, ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखो। चित्रकला को सामान्य लोगों में लोकप्रिय बनाने वाला वो प्रथम चित्रकार था। अब बताओ क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक क्या होता था, जब हम मैं क्या बोल रही हूँ कि लोग आते भी थे, आके मतलब जो विजिटर्स हैं, जो कि जो आर्टिस्ट जो कि दूसरे देश के वो यहाँ आते थे, उनसे कला चलती थी, तो वो लोग भी कहाँ तक आते थे, वो क्या आम लोगों के लिए चित्रण करते थे, आम लोगों के घर घर में वो तो नहीं करते थे, वो काय के लिए आते थे, वो राजा महाराजाओं के लिए उनको हायर करते थे, आते थे उनका पोर्ट्रेट बनाते थे, उनके जो भी उनका महल में कार्य था वो करते थे और चले जाते थे, है ना, किसी ने कुछ बनाया किसी ने कुछ बनाया, लेकिन क्या आम जनता के लिए कला आई? क्या नहीं आई आम जनता के लिए कला? कब आई? जब, इसलिए कहा जाता है कि विलियम हॉगर्थ थे जो कि घर घर में कला को लेके आए थे। कैसे लेके आए थे घर में कला को, तो ये भी इसका भी एक चीज़ है, क्योंकि उनने क्या लिखा है, उसने अम्लांकन और उत्कीर्ण चित्र से लोगों के प्रति कला के लिए प्रेम जागृत किया था। कैसे? क्योंकि अभी तक आप लोग देखियो, बरोक हो, रोकोको हो, रिनाइसेंस हो, क्या चल रहा था इस समय कलाकृति में? पेंटिंग विथ ऑयल, और आप सब पर्सनली जानते हो कि ऑयल पेंटिंग महंगा कितना पड़ता है, तो वही चीज़ थी कि उसको अफोर्ड सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते थे उस समय तक। लेकिन विलियम हॉगर्थ ने क्या किया, प्रिंटिंग, अम्लांकन और उत्कीर्ण चित्र बनाए, जो कि उनको एज़ कम्पेरिजन टू ऑयल पेंटिंग बहुत सस्ता मिलता था, और इसलिए फिर लोग बहुत अप्रिशिएट भी होते थे और ख़रीद खरीद के वो उसके चित्रण अपने घर में लगाते थे, है ना, फिर उनको वो चीज़ समझ आने लगी, और यही कारण है कि वो कैसे जनजीवन तक सामान्य लोगों में लोकप्रिय हो गए थे विलियम हॉगर्थ, ठीक है। उनने अम्लांकन उत्कीर्ण चित्र बनाए बहुत सारे, जो लोग अपने घर में चित्र नहीं लगाते थे वो बाजार से खरीद कर चित्र लगाने लगे। हॉगर्थ को इससे बहुत ख्याति मिली, जो लोग, सही बात है, अभी तक नहीं लगाते थे लेकिन अब क्यों लगाने लगे, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ने लगी वो चीज़, एक चीज़ है ना, और दूसरी चीज़ जो भी कला के प्रति प्रेम जागने लगा तो वो हॉगर्थ के चित्र जो है अब लगाने लग गए। अब देखो हॉगर्थ का जन्म कहाँ हुआ था, बार्थलोमिन्यू स्मिथफील्ड, यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, बार्थलोमिन्यू स्मिथफील्ड, 10 नवंबर 1697 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब मैं
टेंशन में आ गई, 1718 क्यों लिखा हुआ है उनकी मृत्यु, मैंने अभी आपको टाइम बताया, ठीक है। उनके पिता जो है वो शिक्षक थे, मुद्रक के यहाँ एक लेख रीडर भी थे, एक प्रिंटर के यहाँ रीडर थे, रीडर का कार्य करते थे, इसलिए उनके साथ होगार्थ भी जाते थे और उनने भी काफ़ी चीज़ें उस चीज़ से सीखी है। 1718 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पिताजी 1718 की एज मतलब डेट पे चले गए थे। उनने स्वतंत्र रूप से उत्कीर्ण का कार्य करने के लिए एक कार्यशाला खोली, ठीक है, क्योंकि वो शुरुआती से ये चीज़ें देखते थे, प्रिंटिंग में जाते थे, तो उनने एक उत्कीर्णक मीन्स एनग्रेवर का कार्य करने के लिए वर्कशॉप खोली थी। वह सेंट मार्टिलेस कला अकेडमी भी जाता था। वह उसके स्मरण शक्ति और रेखांकन बहुत सुधर गए थे। सेंट मार्टिलेस कला एकेडमी वो जाते थे, ठीक है, लेकिन उनको उसमें एक चीज़ पसंद नहीं थी, वहाँ के जो शिक्षक थे ना, मतलब जो शिक्षक थे उनकी एक चीज़ नहीं बनती, वो कॉपी करवाते थे चीज़ों को, है ना, तो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, पर फिर भी वो जाते थे। अब वो क्यों जाते थे लिखा है क्या, लिखा होगा आगे शायद, दो मिनट देखती हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे कला एकेडमी में जाते थे और उससे फिर बाद में उनको ये भी जो है कि उनका रेखांकन है, उनका राइटिंग और उनकी जो स्मरण शक्ति और कैसे एक सब चीज़ें, क्योंकि एकेडमी में जाते थे तो वो चीज़ें उनकी सुधर गई थी। छोटे छोटे स्केच बनाते थे और उस पर टिप्पणी लिख दिया करते थे, जिसके सहारे मीन्स जो भी उनने बनाया वो उसके सहारे वो टिप्पणी भी लिख देते थे, उसके सहारे फिर उसको बड़े आकार में कंपोज करते थे, है ना। इस प्रकार से चीज़ें, जैसे कि हमने टिपोलो के बारे में रोकोको में पढ़ा था कि बहुत सारे पहले छोटे स्केच बना के वो तो दिखा भी देते थे लोगों को, है ना, थोड़ा सा वो मीन्स जिनके लिए कार्य करते थे ना उनको वो दिखा भी देते थे और फिर उसके बाद वो जब पास कर देते तब वो बड़े उसमें करते थे। जैसे ये चीज़ सबकी नॉर्मल होती है, ऐसे ही ये भी स्केचेस के साथ साथ में टिप्पणी भी लिख देते थे ताकि उनको जो भी शायद उनके दिमाग में हो वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। फिर आते हैं उनकी स्केचिंग सुधर जाने के बाद, ये देखिए ये लिखा है मैंने सही है, उसने स्मरण शक्ति और रेखांकन बहुत सुधर गए थे उनके, लेकिन उस सुधर जाने के बाद भी वो अकेडमी जाना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा भाई, तो एक कारण था उसमें, क्यों कारण था कि वहाँ की जो उनकी शिक्षक की जो पुत्री है वो पसंद आ गई थी काफ़ी, तो जेन नाम था जिसका, तो इसलिए वो उनको भले सोचो टीचर पसंद भी नहीं आते थे कि भाई क्या कॉपी करने देते हैं बच्चों को, फिर भी जाते थे, क्यों, जेन के कारण जाते थे, तो इसलिए ठीक होने के बाद फिर भी जाते थे, वहाँ जाना नहीं छूटा, तो उसका मेन कारण उनकी बेटी थी। और 1729 में वो उसे लेकर शायद चले गए थे और वहाँ से वहाँ उनकी शादी कर ली थी उन्होंने 1729 में, ठीक है। अब देखते हैं कलाकृतियों की रचना के साथ साथ होगार्थ लेखन कार्य भी करते थे ना, राइटिंग वर्क भी करते थे। हमारे भी बहुत कलाकार हैं जो कि इंडिया में जो कि कलाकृति के साथ जिनकी लेखन कार्य की क्षमता बहुत अच्छी है ना, और उस तरह से विलियम होगार्थ भी करते थे। उसने अपने जीवन चरित्र लिखा जो एनालिसिस के साथ 1755 में छपा। एनालिसिस के साथ क्वेश्चन आ सकता है 1755 में किसका जीवन चरित्र छपा और जो उन्हें खुद ने लिखा है, तो वो विलियम होगार्थ थे। वो एक देश प्रेमी कलाकार थे, देशवासियों की सेवा का भाव उनमें सदैव विद्यमान था। देखिए था तभी उन्हें वो एक तरह से कला जनजीवन के लिए लेके आए थे, ठीक है, जिससे प्रेरित होकर बहुत आश्रम चिकित्सालय कला अकेडमी का निर्माण कराया, क्योंकि बहुत ख्याति मिल गई थी, अच्छा खासा पैसा हो गया था, तो उस चीज़ों का उन्हें बहुत यूज़ किया। उन्हें आश्रम चिकित्सालय कला अकेडमी के जिसमें जाके आप पढ़ सकते हो, है ना, आगे शिक्षा मिले लोगों को, वहाँ पे उस तरह की अकेडमियों का निर्माण इनने कराया। 1768 में इसी के तर्ज पर लंदन की रॉयल अकेडमी का जन्म हुआ। 1768 अभी नहीं है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्योंकि शुरुआत होगार्थ कर चुके थे। अभी हम आगे बताते हैं लंदन की रॉयल अकेडमी के संस्थापक कौन थे, किसने बनाया, वो अगला कलाकार जो आएंगे महान उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तर्ज शुरुआत इनने ही कर दी थी, नहीं कर पाए एकेडमी को डेवलप, लेकिन शुरुआत होगार्थ ने कर दी थी, ठीक है, ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि उनने बहुत ऐसा जनजीवन को लेके बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं। और छोटी मोटी एकेडमी खेवली भी थी, और इसी तर्ज पे आगे जाके 1768 में, भूलना मत, और चार बार याद दिला दूंगी अभी इस वीडियो में, कि 1768 में लंदन की रॉयल अकेडमी का जन्म हुआ था। उसके गाँव के घर में जो जहाँ उसके गाँव का घर था वहाँ अब म्यूजियम है। 1764 में उनकी मृत्यु के बाद उसके गांव में के चर्च में ही, वहाँ गांव के चर्च में ही उनको दफना दिया गया था, ठीक है। तो ये विलियम होगार्थ हैं, इनका अब आर्टवर्क्स देखो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। ये है हैरलॉट प्रोग्रेस, क्वेश्चन आया है हैरलॉट प्रोग्रेस किसने बनाया गया है, ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ है, अच्छे से देखो, मुझे मत देखो, ये देखिए इस तरह से, और भी हैं अनेक, है ना, तो यह एक व्यंग चित्र श्रृंखला है और जो इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, हैरलॉट प्रोग्रेस।
ये है ना पेंटिंग्स है एंड एनग्रेविंग्स है, उत्कीर्णंस है भी है, ठीक है, 1731-32 में इन्हें बनाया था, ठीक है। तो इस तरह की ये एक पूरी श्रृंखला है, स्टोरी डेवलप करती है ना, हैरोल्ड प्रोग्रेस एक और भी है जो कि उनने मतलब विदेशी लोगों को विदेशी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था, शायद उसको लेके भी एक व्यंग चित्र उनने श्रृंखला वो की है, ठीक है। ये है द बैगस ओपेरा जो कि म्यूज़िक को लेके, देखो 1728 में मेले तमाशे मुर्गे की लड़ाई चुनावी झगड़े तथा लॉन नृत्य के चित्र बनाते हुए वो ओपेरा के माध्यम से व्यक्ति चित्र की ओर मुद्रा है, ठीक है। तो ये बेगर्स ओपेरा है, जिस तरह से देखो आप लोग सब ये सब इसमें आपको दिखेगा है ना, ऑयल ऑन कैनवास है ये भी, ठीक है। अब आगे अगले श्रम गर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, नेट में भी आया है, श्रम गर्ल किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो विलियम हॉगर्थ ने बनाया है, नेशनल गैलरी, बोनी लड़की हिंदी में जैसे बोलो, लंदन में है, 1740-45 में इन्हें बनाया था। व्यक्ति चित्र के द्वारा वो व्यक्ति का चरित्र दिखा देते थे, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के चरित्र को दिखा दिया गया है एक व्यक्ति चित्र के। श्रम गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से देखना, विलियम हॉगर्थ का है ये। पोर्ट्रेट्स भी बहुत अच्छे बनाए, तो वैसे लेमोनिया फाउंटेन का पोर्ट्रेट इनका बहुत फेमस हो गया था 1740-50 में, ऑयल ऑन कैनवास पे है यह, इनके द्वारा बनाया गया व्यक्ति चित्र में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पूर्वगामी ब्रिटिश चित्रकार जोसा कोई का प्रभाव नहीं है, किंतु ये सरलता से डच चित्रकला के निकट है ना, जोसा कोई के कहते हैं ऐसा कि उनके कुछ पोर्ट्रेट्स में उनकी प्रभाव है, लेकिन इसमें नहीं है, ये डच चित्रकला याद करो, रेम्ब्रांट और है ना उन लोगों का देखो, उस चित्रकला के निकट ये दिखते हैं ऐसा वो लोग कहते, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। रेक्स प्रोग्रेस ये भी इनकी आर्ट पेंटिंग की सीरीज है, एनग्रेविंग्स है, यह इनके द्वारा एक चित्र कथा थी पूरी है ना, 1732-35 के बीच में है ना। जैसे कि देखो जब अभी श्रम गर्ल का हमने देखा, तो इस तरह के पोर्ट्रेट से उसको कोई चिंता नहीं रहती थी कमाई वमाई की, वो सिर्फ अपने मन के संतोष के लिए बनाता था, क्योंकि मेन उनकी जो कमाई है वो उनकी कमाई इन चित्रकथाओं से होती थी जो कि एनग्रेविंग्स और बोलेंगे ना प्रिंट्स रहते थे ना, प्रिंट्स ने उनको एक तरह से घर घर में पहुँचा दिया था, तो उनको कोई टेंशन थी नहीं, बिल्कुल समस्त खुश बंदा था वो बिल्कुल है ना। तो इस तरह से ये चित्र भी उनने किया। मैरिज एला मोट ये क्या है, ये भी चित्रकला है, चित्रकथा है, 6 पेंटिंग्स की 1743-45 में। यह एक चित्रकथा है जिसमें दुखंत अंत की करुणा कहानी कह रहे हैं। इसके विरोधियों ने इसे नैतिक और सभ्य समाज के न देखने लायक भी बताया था, ठीक है। ये जो भी एक अपोज में उन्हें बनाई है, व्यंग करते थे वो बहुत काफ़ी शानदार तरीके से, और इसलिए जो इसके विरोधी हैं उन्हें ये कहा कि एक नैतिक एक मॉरल समाज के देखने योग्य इनकी पेंटिंग ये नहीं है। देख लीजिएगा मैरिज एला मोल्ड, ये भी 6 पेंटिंग की सीरीज मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत अच्छे एक और कलाकार, रिचार्ड विल्सन है ना, ये कौन है, ये विलियम हॉगर्थ आप होगा तो देखिए। अब ये चलिए, तो ये क्या है, रिचार्ड महत्वपूर्ण इंग्लिश दृश्य चित्रकार था, याद रखिए, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार, फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप रिचार्ड विल्सन कहलाते हैं, ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल फादर ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग होते हैं है ना, तो लेकिन ब्रिटिश दृश्य चित्रण के पिता जनक कहे जाए तो वो रिचार्ड विल्सन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह एक पादरी के बेटा था जिससे बचपन से अच्छी शास्त्रीय शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया था। चित्रकला में रुचि होने के कारण उन्हें लंदन भेज दिया, जहाँ इटालियन दृश्य चित्रों के प्रति उन्हें रुचि मिली, ठीक है, लंदन भेजा, लेकिन यहाँ पे उनको उस चीज़ के लिए और रुचि मिली जो इटालियन आर्टिस्ट ने जो दृश्य चित्र किए उसके समय। 1740 में लंदन गया और व्यक्ति चित्र में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, लंदन गए 1740 में, व्यक्ति चित्र में प्रसिद्ध हुए। 1746 में दृश्य चित्र आरंभ किया उनने फिर, और 1746 उसमें बहुत प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, पोर्ट्रेट भी किया और दृश्य चित्र भी किया। 1750 में वह वेनिस गया, वहाँ उसने अधिकांश समय रोम और कॉम्पोना में भी व्यतीत किया, घूमते क्योंकि वो वहाँ देखने गए, सीखने गए ना, यहाँ पे तो नहीं इतना माहौल एटमोसफियर, पूर्वज ही नहीं मिले एक तरह से आर्टिस्ट, लेकिन इसलिए वो वहाँ पे जगह जगह गए, तो रोम गए, कॉम्पोना में भी व्यतीत किया, वह उसकी कला पे इटालियन शैली का प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के शासक वर्ग जो इटली आते थे उन्होंने भी उससे चित्र
बट इंग्लैंड रहने गए, सीखने गए, इंग्लैंड में रहते हुए भी उन सॉरी इटली में गए रहने, है ना, ये सब रोम पोम्पोना, लेकिन वहाँ रहते हुए भी उनकी ख्याति अच्छी खासी थी इंग्लैंड में, जो कि वहाँ के शासक वर्ग इटली आते थे तो भी उनसे चित्र खरीदते थे। तली में रहते हुए सॉरी इटली है वो, इटली में रहते हुए भी उनका यश इंग्लैंड में फैला। 1756 में वो वापस इंग्लैंड लौटे और लंदन में रहने लग गए। ठीक है, अब आते हैं इटली के दृश्यों का अंकन किया उन्हें। पृष्ठभूमि में रोम तथा सहित टाइबर नदी का दृश्य इस समय की उसकी कला का उदाहरण है। ठीक है, चित्रकला में आपको रोम और टाइबर नदी का दृश्य देखने को मिलेगा, उससे यह है कि उनको वहाँ का प्रभाव आया था। 1768 में आरंभ होने वाली एकेडमी का वह संस्थापक सदस्य था रिचर्ड विल्सन, यही मैं बता रही हूँ आपको 1768 में जो आरंभ, रेनॉल्ड्स भी है और ये भी उसके संस्थापक सदस्य थे जो रॉयल एकेडमी लंदन। 1776 में जब उसने चित्रण छोड़ा तो उस पर अर्थ संकट आ गया, जो भी एज को लेके उनने चित्रण छोड़ा तो उन पर अर्थ संकट आ गया, मतलब कि निर्धन हो गए। वह रोम से वैलिस में रहने लगा, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो ये इनकी थोड़ी सी चीज़ कुछ आर्टवर्क्स हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं, पोर्ट्रेट और दृश्य चित्रण है, शायद मैं लगाना भी भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना, रिचर्ड विल्सन का शायद मैं ऐसा कुछ नेम से फेमस ही, मेरे को थोड़ा सा ये ज़्यादा बताना था शायद इसलिए। चलिए अब बात करते हैं जोशुआ रेनॉल्ड्स, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ इंग्लैंड, जैसा होगार्ट बोला मैंने वैसे ही रेनॉल्ड्स। ठीक है, तो अच्छे से देखना इनको, ये अब आ गए हमारे 18वीं शताब्दी में आ गए अपन, बड़े हो गए ये, है ना, वो पहले थे, ये अब थोड़ा सा और इनसे छोटे हैं, है ना, बड़े नहीं। तो ये 1723-1792 ये इनका टाइम पीरियड है। 16 जुलाई को ये जन्म हुआ इनका, ये अपने पिताजी के सातवें पुत्र थे सैमुअल रोनाल्ड्स, है ना, जो कि पॉम्पलियन के एल के पादरी, जिस तरह से रिचर्ड विल्सन थे वैसे ही ये भी एक पादरे के बेटे थे। इन्होंने एक शिक्षिक और सम्मानित धार्मिक परिवार में जन्म लिया और इसलिए जोशुआ को सारी सुविधाएं मिली, है ना, बढ़िया से अच्छे, जैसे रेनॉल्ड्स को भी मिली, सॉरी रेनॉल्ड्स यही है, विल्सन को भी मिली, वैसे ही इनको भी। शिक्षा इन्हें हडसन से ली थी, 3 साल, है ना, हडसन से ली थी। 1749 में इटली चले गए थे, ये भी गए थे, जाएंगे से रोम पहुंच गया और माइकल अंजलियो की कला के वो भक्त हो गए थे। ठीक है, रेनॉल्ड्स वेटिकन के चित्रों में अनुकृति करते समय ठंड लगी और वो बहरे हो गए। कौन सा आर्टिस्ट जो कि बहरे थे, वो जोशुआ रेनॉल्ड्स थे, है ना। अब 1753 में वह एनगार्डन लौटा और वहीं रहने लगा, उसकी बहन ने उनकी देखभाल करी, उनने जीवन भर शादी नहीं करी, उसकी बहन ही उनकी जीवन भर देखभाल करती रही। 1763 में वो लौटे थे। 1768 में जब रॉयल एकेडमी की स्थापना हुई तो उसका सभापति सर्वसम्मति से बना दिया गया, मतलब उनको प्रेसिडेंट बना दिया उसका, है ना, मैंने यही बोला कि कौन 1768 में, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल एकेडमी लंदन, वो जोशुआ रेनॉल्ड्स हैं। ठीक है, 1768 में जब ये बनी तो उसमें उनका प्रेसिडेंट बना गया, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत अच्छी हो गई थी। जैसे हम ओगर्ट की बात कर रहे हैं, वैसे भी वो बहुत फेमस हो गए थे, विल्सन भी संस्थापक सदस्य थे लेकिन प्रेसिडेंट जोशुआ रेनॉल्ड्स थे। 1769 में प्रथम प्रदर्शनी के 5 दिन पूर्व ही इंग्लैंड ने उन्हें नाइट की उपाधि दे दी थी, इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइट की उपाधि दे दी थी। ठीक है, उसके 5 दिन पूर्व 1772 में वह नगर का मेयर चुन लिया गया था, मतलब बहुत फेमस हो चुके थे रेनॉल्ड्स। क्यों फेमस हो गए थे, अभी आगे हम पूरी कहानी रेनॉल्ड्स को तो अच्छे से आप लोग याद कर लोगे, मैं बता रही हूँ, है ना। तो 1772 में उनको मेयर चुन लिया गया था। 1769 से 90 के मध्य उन्हें 15 भाषण दिए थे जो डिस्कोशेज नाम से प्रकाशित हुए। किसके भाषण थे ये डिस्कोशेज नाम से जो प्रकाशित हुए, वो जोशुआ रेनॉल्ड्स के थे इस समय, क्योंकि मेयर बन चुके थे भाई, ऐसे थोड़ी मजाक है, है ना, एकेडमी के प्रेसिडेंट है, मेयर है, खूब अच्छी खासी इनकी एक तरह से फेमस हो चुके थे ये चीज़ें इनकी, आप समझ लो। 66 वर्ष की आयु में उसकी बाईं आँख की ज्योति नष्ट हो गई थी, दूसरी आँख भी नष्ट होने के भय से उसकी जीवन इच्छा को कम कर दिया था। 3 वर्ष बाद खुद की 1792 में उनकी डेथ हो चुकी थी रेनॉल्ड्स की। अब चलिए रेनॉल्ड्स का थोड़ा सा वर्क देख लेते हैं अभी, क्योंकि आगे और बड़े बड़े आर्टिस्ट और पढ़ने, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एज ऑफ इनोसेंस अबोध आयु, देखो सच में एज ऑफ इनोसेंस है ये, है ना। तो ये एक क्वेश्चन भी आया है, एज ऑफ इनोसेंस किसके बनाया गया, जोशुआ रेनॉल्ड्स द्वारा बनाया गया है, है ना। तो 1788 में ऑयल ऑन कैनवास से, आज ये लंदन में है। ठीक है, दूसरा देखो, मिस्टर सिडॉन्स एज अ ट्रेजिक म्यूज, करुणा रागिनी के रूप में श्रीमती सिडन,
ऑयल ऑन कैनवास है, 1783 से 84 में इन्हें बनाया था जोशुआ रेनॉल्ड्स ने। ट्रैम्प ऑफ विजय, सत्य की विजय, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कहा जाता है कि ये पोर्ट्रेट जो ये दिख रहा है ये डॉक्टर जेम्स बैटी का है ना, ऐसा कहा जाता है। तीन लेडी कौमारी की पूजा करती तीन युवतियाँ, ये भी ऑयल ऑन कैनवास 1773 में जोशुआ रेनॉल्ड्स द्वारा बनाई गई है। कहा जाता है ये तीन महिलाएं जो हैं जो कि हैमन जिसको कौमारे बोलते हैं उनकी पूजा उधर कर रही हैं, देख लो आप लोग। ठीक है, अब आते हैं गेंसबोरो। बढ़िया, बहुत मज़ा आएगी। गेंसबोरो भी याद रहेंगे, रेनॉल्ड्स भी याद रहेंगे, मुझे भी याद रहते हैं, क्योंकि वो होता है ना वो लड़कियों वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी, है ना, जहाँ लड़ाई लड़ाई होती है वो चीज़ें याद रहती है, आप लोग को भी याद रहेगी। ठीक है, तो इन लोगों की बहुत लड़ाई है आपस में, बहुत क्लेश है आपस में, और वो हमको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। चलो मज़ा आएगी इनको पढ़ने में, है ना, भूलोगे ही नहीं, चीज़ें नहीं भूलोगे उनकी, कुछ भी कब क्या बने कोई ये भी नहीं भूलोगे, इनका आर्टवर्क भी नहीं भूलोगे। सुंदरबरी में इनके जन्म हुआ, 1740 में वो लंदन चले गए। ठीक है, वहाँ के चित्रकार से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने दृश्य चित्र आरम्भ किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 17th century में डच चित्रकला में उसने स्वाभाविक आकर्षित हुआ, डच चित्रकला से स्वाभाविक आकर्षित हुआ। ठीक है, ये भी हुआ। अब क्या हुआ, लंदन के चित्र व्यापारियों के यहाँ वह पुराने डच चित्रकारों की मरम्मत करता था, ये इसके अर्ली लाइफ है। ठीक है, छोटे हैं रेनॉल्ड्स से, छोटे हैं गेंसबोरो। ठीक है, लेकिन ये क्या करते थे, लंदन के चित्र व्यापारियों के यहाँ ये डच चित्रकारी जो मरम्मत, अब जैसे जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट पहले कर गए उन चित्रों को मरम्मत का कार्य करते थे, है ना, वो तो चलता ही जाता है। 1748 में उसने अपनी जन्मभूमि पर ही दुकान खोली, सुदबरी पर ही दुकान खोल दिए। अब यह दृश्य चित्र और घटना चित्र अंकित करते थे, इनमें फ्रेंच चित्रकार वटेव का प्रभाव आया। ठीक है, 17th century में जो हम रोकोको में वटेव पढ़े हैं उनका प्रभाव इसमें देखने को मिला है। 1768 में जो रॉयल एकेडमी की स्थापना हुई उसमें सदस्य थे, ठीक है, प्रेसिडेंट रेनॉल्ड्स थे, ये सदस्य थे, लेकिन टक्कर पूरी दी है। ठीक है, कैसे, 1773 में एकेडमी में उसका झगड़ा हो गया, प्रदर्शन बंद कर दिया। अब झगड़े का कारण रेनॉल्ड्स है कि नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन उस समय झगड़ा हो गया था और फिर भैया नहीं करना प्रदर्शन, उस समय सदस्य थे, पहले एग्जीबिशंस हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना एग्जीबिशन उधर बंद कर दिया। उसने रेनॉल्ड्स से स्पर्धा की और अनेक लोगों ने इस स्पर्धा को प्रोत्साहित किया, पल पल पे हर चीज़ पे मतलब स्पर्धा करते थे, और बहुत लोगों ने उस चीज़ को शायद वो किया, इसलिए अंतिम सांस तक वो चीज़ें चलती आई। दोनों की शैली में भले काफ़ी अंतर था, फिर भी लड़ाई चालू थी, है ना, शैलियाँ बहुत, आप वर्क देखोगे नहीं है सेम, ठीक है, लेकिन समकालीन है, ये याद रखोगे, इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं, साथ साथ ही थे, बड़े छोटे थोड़े बहुत, जैसे ये कौन है, अभी ये तीन आर्टिस्ट हैं, रेनॉल्ड्स, गेंसबोरो और रूमी, तीनों में अंतर कितना है, उतना ही जितना कि लियोनार्डो, माइकल एंजेलियो और रफेल, है ना, तो ऐसा कोई उनका जैसा आपसी क्लेश नहीं मिलता था, नहीं यहाँ पे सब क्लेश ही है ना, ये लोग ऐसे ही हैं, है ना, तो इन तीन को भी थोड़ा याद रखना, इतने इतने डिस्टेंस में लेकिन अच्छे खासे इनका विरोध चलता था। ठीक है, तो 1784 में रेमसे दरबारी चित्रकार था, अब 1784 तक तो बात कुछ ज़्यादा नहीं थी, है ना, क्या लिखा है, हाँ ये तो हो गया। 1784 में रेमसे वहाँ के दरबारी चित्रकार थे, रेनॉल्ड्स को राजा ने एकेडमी का अध्यक्ष और नाइट की उपाधि दी, तथापि जब 1784 तक तो रेमसे थे, रेमसे की डेथ हो गई थी 1784 में, और उसके बाद जो है वहाँ के जो कलाकार थे जो राजा थे उन्हें किसको दरबारी चित्रकार बना दिया, रेनॉल्ड्स को बना दिया, क्योंकि रेनॉल्ड्स का ख्याति मैंने बताया ना आपको, प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना दिया, और बहुत अच्छी खासी वो थी उसकी, तो वहाँ पे उनको अध्यक्ष बना दिया। ओके, 1768 में जो एकेडमी बनी थी, है ना, उसके बाद में, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि एक पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल सहानुभूति राजा की भी और राजा के परिवार की भी गेंसबोरो के साथ थी, भले वो अध्यक्ष नहीं बने, है ना, अध्यक्ष आपने उनको बनाया, लेकिन ये पर्सनल चीज़ें, चित्र बनवाना भी वो लोग उसी से पसंद करते थे, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी थी। 1784 में रेनॉल्ड्स को राजकीय चित्रकार का पद मिला, राजकीय चित्रकार भी बन गए 1784 में, है ना, देखो पहले प्रेसिडेंट की वो भी दी थी, 1784 में रेमसे थे, सॉरी राज्य चित्रकार लिखा है ना मैंने, दरबारी चित्रकार वो थे,
इनको ये पहले ये तो मिल ही चुकी थी, प्रेसिडेंट थे ये ऑलरेडी, नाइट की उपाधि भी मिल गई थी, पहले मैंने आपको रेनॉल्ड्स में बता दी। और फिर 1784 में राजकीय चित्रकार भी किसको बना दिया, रेनॉल्ड्स को बना दिया, लेकिन सहानुभूति देखिए लिखा ही हुआ है गैंसब्रो के साथ रही। अब एक चीज़ और मस्त है, ही पोर्ट्रेट सॉरी ब्लू बाय का पोर्ट्रेट किया था, अभी आगे दिखाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा इनका व्यंग था, याद भी रहता है। रेनॉल्ड्स ने अपने भाषण में एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी कि भाई कहीं भी एक जगह पे बहुत सारा ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी आर्टवर्क हो उसमें ब्लू कलर वो संतोष नहीं देता, वो नहीं जो भी सही नहीं बैठता। तो इसी चीज़ के विरोध के लिए गैंसब्रो ने ब्लू बॉय का चित्रण किया था और उसको मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उस ब्लू कलर पे ही पूरा पेंटिंग बनाया था, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत सीधे बोलेंगे एक व्यंग है ना, डायरेक्ट विरोध ही कर दिया था कि उनने अगर ऐसी चीज़ बोली तो उनने वो काम करके दिखाया था, है ना। तो बड़ा याद रहेगा, ब्लू बॉय कभी मत भूलना। आगे दिखाती हूँ ब्लू बॉय क्या है। जोशुआ ने दिखाया था, दिखावा था गॉन्सब्रो में साथ की। देखो अब आप बोलोगे मैं मौका परस्त हूँ, अभी रेनॉल्ड्स की तारीफ कर रही थी लेकिन यहाँ गॉन्सब्रो पे आई तो फिर रेनॉल्ड्स की बुराई करने लगी। तो फिर भी पर देखेंगे, दिखावा मतलब तामझाम बहुत था, बहुत सारे चीज़ें मेयर बन चुके थे, ये वो तो तामझाम ज़्यादा था इसलिए बस एक तरह से बोलूँगी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। पर काम देखेंगे तो सादगी इनकी उसमें सादगी थी, काम में दोनों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन जोशुआ के पास दिखावा था जबकि इनके पास सादगी थी। एक आम भाषा, आप भी इस जीवन में आज रह रहे हैं देख रहे हैं किसी का काम अच्छा है किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, है ना। आर्टिस्ट में ये चीज़ें होती रहती है, तो वही चीज़ उस समय थी हमेशा ये चीजें, ठीक है। जोशुआ को लिटरेचर साहित्य में इंटरेस्ट था, गॉन्सब्रो को संगीत में था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के। एक बार गर्दन में पीड़ा होने के कारण वो बीमार हुए थे, बाद में पता चला था कि उनको कैंसर था, वो है ना कैंसर घोषित कर दिया था और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब टेंशन मत लो, चिंता थी कि भाई लड़ते रहते थे वो लोग कैसे, तो उनने फिर मरने से पहले जोशुआ को बुलाया था, आपसी मित्र जो भी इनका विरोध था ख़त्म किया, बहुत कलेश चलते थे ख़त्म किया। और जब माना जाता है कि जब मृत्यु हुई थी उनकी तो उनको श्रद्धांजलि देने में भी जोशुआ रेनॉल्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो अच्छा खासा कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिस्ट दोनों, लेकिन बढ़िया कार्य किया, ठीक है। ये है वो ब्लू बॉय, देखो माना जाता है क्योंकि एंथनी वान डेन ईयक है, इनकी इनका पोर्ट्रेट बनाया है ना, उनका प्रभाव इस उसमें दिखता है, कैरेक्टर दिखता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ये है, और ये देखो कंप्लीट ब्लू से उनने शायद इसलिए बनाया क्योंकि उसका शायद नहीं मतलब पक्का ही है कि उसका विरोध करना था कि देखो ये भी कितना सही लग रहा है और इसमें मैंने सिर्फ ब्लू यूज़ किया है एक ही जगह पे इतना सारा, ठीक है। तो ये पेंटिंग उनका ऑयल ऑन कैनवास किसने बनाया, गैंसब्रो ने, किसके विरोध में बनाया, रेनॉल्ड्स के विरोध। याद रखोगे तो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। हार्वेस्ट वेगन पुलियों से भरी गाड़ी, देखा अभी बताया ना दृश्य चित्रण भी करते थे तो वो आपको इसमें दिख सकता है। ये भी आज बर्मिंगम में है, ऑयल ऑन कैनवास किसने बनाया, गैंसब्रो ने बनाया। अब आते हैं रोमनी, ये रफेल हैं एक तरह से रेनेसेंस के, मतलब तीसरे सबसे छोटे हैं, र से रोमनी र से रफेल, याद रखोगे तो ऐसे याद रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब रेनॉल्ड तथा गैंसब्रो के बाद ब्रिटिश व्यक्ति चित्र में थर्ड स्थान इनका आता था। जैसे अपन लोग इटली की बात करते थे, जोड़ के चलोगे चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो नहीं याद रहेगी, इनका नाम कोई याद भी नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये याद रखो, अच्छी बात है इंग्लैंड में, है ना। रोमनी में अभी भी अकेडमी में चित्र प्रदर्शित नहीं किया, विरोध में ही थे वो रोमनी ने, उनको अकेडमी का, जैसे मैं बता रही हूँ आपको होगार्थ को भी विरोध था, लेकिन ठीक है लड़की पसंद आती थी जाते थे, है ना। लेकिन इसको ये नहीं, इसको पसंद नहीं आ रहा था और ये चित्र प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, जीवन भर उसका विरोध किया। लैंकशायर में इनका जन्म हुआ, इनका जब जन्म हुआ, जैसे हमने उनकी एज डिफरेंस करी थी, इनका जब जन्म हुआ तब जोशुआ 11 साल के और गैंसब्रो 7 ईयर्स के थे, है ना। इनमें 7 साल का अंतर और 11 साल का अंतर है दोनों में। ये 11 भाई बहन थे, इनकी शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई, वह अपने पिता के दुकान में कारीगरों के चित्र और वो बनाता था रोमनी, ठीक है। जैसे पिता के दुकान पे जो भी कारीगर वगैरह काम करते थे उनके चित्र उनकी स्केचिंग्स ये सब करते थे, ये ना एरिया का वो शुरुआत से। रोमनी की भेंट एक घुमक्कड़ व्यक्ति चित्रकार से हो गई थी 1755 में, वो उसे अपने साथ ले गया था। अगले वर्ष रोमनी बहुत बीमार पड़ा, उसकी देखभाल, इसकी भी लव स्टोरी यहीं देख लो, है ना। उस बहुत बीमार पड़ा था तो उसकी देखभाल फिर उसी की मकान मालिक, वहाँ जहाँ रहता था ना वो चले गया था, ले गया था व्यक्ति चित्रकार जो, तो वहाँ के मकान मालिक ने की पुत्री ने उनकी सेवा करी, ठीक करी खूब, और उसी कृतज्ञता से उसी उसकी फीलिंग से ग्रैटिट्यूड से उसने उनसे शादी कर ली, है ना, उसी से शादी कर ली। अब शादी कर ली लेकिन वो आर्थिक तो इतना अच्छा था नहीं, अच्छे से नहीं था, तो उसने फिर क्या किया,
हाँ लिखा है ना, उसने उसकी टीचर ने उसके टीचर ने उसको यॉर्कशायर बुला लिया। यॉर्कशायर तो वो गया लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं ले गया, वाइफ को नहीं ले गया और उसको वहीं छोड़ दिया अपने काम पे। काम पे मतलब जो कि वो सर्वेंट का कार्य करती थी, है ना, तो वही वाला कार्य जो शादी से पहले करती थी उसने वही कार्य करना उसको छोड़ दिया और खुद चले गए अपने टीचर के पास, क्योंकि उस समय आर्थिक तंगी थी। कुछ समय बाद रोमनी ने शिक्षक के साथ भी छोड़ दिया, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति चित्रण पोर्ट्रेट करने लगा। 1762 तक उसने धन एकत्रित कर लिया था। अब वो उसने अपने को पत्नी को भरण पोषण से मुक्त कर दिया था, लेकिन साथ नहीं रहा था, ठीक है, पत्नी वहीं रहती थी, है ना, और ये जगह जगह घूमता फिरता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभी तो यॉर्कशायर पे ही है, तो इस समय तक वो थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था। वो भी जोशुआ का विरोधी था, ये एक और था जो कि जोशुआ का विरोधी था, उसको भी समझ नहीं आता था। वो 1767 में वह अपनी पत्नी दो पुत्रियों से मिलने लौटा जरूर था घर, लेकिन फिर वो वापस लंदन आ गया, ठीक है। 1773-75 में इटली, रोम, वेनिस गया, मतलब घूम घूम के, एक साल उधर, दो साल ऐसा, है ना, दो साल में थोड़ी देर उधर थोड़ी देर उधर जाके वहाँ का अध्ययन किया और फिर वापस इंग्लैंड आ गए। लौटने तक उसके कार्य में बहुत सुधार हुआ, ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा वहाँ का, इतना कला इटली की हर उसमें फेमस है तो इफेक्ट पड़ा, तो उस चीज़ में बहुत सुधार आया, बड़े कलाकार जैसे कार्य करना आरंभ किया। फिर उसने भी जोशुआ को चुनौती दी, ठीक है, बड़े कलाकार की तरह, मतलब एक सोचो बहुत मिडिल क्लास था जोशुआ, तो एक अच्छा खासी फैमिली में जन्म लिया लेकिन बहुत मिडिल क्लास करके भी उनके इक्विवेलेंट आया, बहुत बड़ी बात है। उसने चार वर्ष बाद, है ना, और इसने चुनौती दी, उसके चार वर्ष बाद गोसबरा ने भी चुनौती दी थी, ठीक है। अंतिम दिनों में रोमनी थक के बीमार रहने लगा, वापस फैमिली के पास लौटा। एट द एंड तक भी फैमिली अलग रहती थी, है ना, बस मिलने लौटा वापस आ गया, इस प्रकार का आर्टिस्ट था, लेकिन अंतिम दिनों में वापस फैमिली के पास लौट गया। 15 नवंबर 1802 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब उनका पेंटिंग देखो, तो पार्सन डॉटर ये पोर्ट्रेट पेंटिंग पोर्ट्रेट करता था, अभी बताया आपको, ऑयल ऑन कैनवास, पार्सन की पुत्री किसने बनाया, रोशुआ, रोमनी ने। आर्चर्स ये भी ऑयल से, ये भी किसने बनाया, रोमनी ने, ठीक है। बॉय और रैबिट बहुत बढ़िया, देखो ये भी किसने बनाया है, रोमनी ने। अब आते हैं हेनरी रेबन, ये कौन है, तो ये अब बाद की पीढ़ी आ गई है ना, अच्छा खासा देखिए मिड 18th सेंचुरी आ चुकी है, है ना, ये जोशुआ गैसबेरा के बाद की पीढ़ी है। इनका जन्म कहाँ हुआ, स्टॉकब्रिज एडिनबेरा के साथ हुआ, है ना, एडिनबेरा के पास स्टॉकब्रिज है वहाँ पे हुआ। ये रोनल से 33 वर्ष, गैसबेरा से 29 वर्ष, रोमनी से 22 वर्ष छोटा था, ठीक है, दिख रहा है एज इतने छोटे थे। 6 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई, भाई ने इनका भरण पोषण किया, मतलब भाई इनके उसने भरण पोषण। स्कूल में साथियों के व्यंग चित्र बनाते थे, 15 वर्ष की आयु में स्वर्णकार के पास चले गए, वहाँ लघु चित्र बनाते थे। धीरे धीरे व्यक्ति चित्र और दृश्य चित्र भी बनाने लगे। खुले आकाश के नीचे दृश्यांकन करते थे, ठीक है, अब देखो एज ये भी देखते, अब इनकी भी स्टोरी सुनो, है ना, बढ़िया स्टोरी है यार, कुछ नहीं, सबके लव स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है इनकी, तो तीन चार आर्टिस्ट तो खुले आकाश में घूमते थे, दृश्य चित्रांकन लैंडस्केप का वो ऐसा लेते थे, स्केचेस वगैरह करते थे। तो वहाँ पे एक धनी विधवा थी, वो घूमने आती थी और इनकी चित्रशाला में भी आती थी कुछ आर्टवर्क्स कराने, है ना, तो उसी से उनने विवाह कर लिया था, जिससे उसकी लाइफ सेट हो चुकी थी, विवाह अच्छी रिच थी भैया, धनी थी, तो उसका लाइफ सेट हो गई थी। वह व्यक्ति चित्रकार के रूप में उभरने लगा, जोशुआ से भी मिलने गया, उसने भी उसे सहायता प्रदान करी, ये विरोधी नहीं था, है ना, छोटा हो गया ना वो, एज बड़ी मेच्योर हो गए होंगे शायद वो, थोड़े कम एज के तो ज़्यादा लड़ते रहते थे आपस में, इसने लड़ाई नहीं करी पर गया और खूब सहायता रेनॉल्ड्स ने प्रदान करी, ऐसा जाना जाता है। 1787 में एडिनबरा लौटकर उसने एक शानदार चित्रशाला भी बना ली, बनाएगी भाई पैसे है बीवी के पास। वह लंदन का चित्रकार न बनकर एडिनबरा का श्रेष्ठ चित्रकार बना, उसने सोचा कि हम लंदन का वो नहीं, तो यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ का बेस्ट आर्टिस्ट, क्योंकि वहाँ तो भाई पहले ही रेनॉल्ड्स, गेंसब्रो, रोमनी इनका छाप छूटी भी है, तो इसलिए वो अलग जगह आके वहाँ का बेस्ट बन गया। पर लंदन में वह प्रदर्शन एग्जीबिशंस करता था। 1788 में उसने भी नाइट की उपाधि मिली और राजा ने उन्हें स्कॉटलैंड में राजकीय कार्य के लिए भेज दिया था, ठीक है। इनका देखो तो इनने भी पोर्ट्रेट इस तरह से बनाया, अलेक्जेंडर रैल्सन मैक्सवेल ऑफ ग्लेनगरी, ऐसा लॉन्ग टाइप पोर्ट्रेट इनका बना गया। ये भी सर जॉन स्किनकेल, इनका भी ऑयल में
पोर्ट्रेट इनने इस तरह से बनाया है। ठीक है, एक और आर्टिस्ट जॉन होपनर, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं, देखो ये रेनॉल्ड्स का शिष्य था, जोशुआ रेनॉल्ड्स का शिष्य है, इसलिए पढ़ा रही हूँ, जॉन होपनर। ठीक है, अलार्म बज गई मेरी। ये उनकी माँ राज दरबार में नौकरी करती थी और पिता सर्जन थे होपनर के। 1765 में एकेडमी गया, 18 वर्ष की आयु में उसे स्वर्ण पदक मिला। ये जो आर्टिस्ट है ना, और इसका बेस्ट वर्क है क्वीन ऑफ ऑक्सफर्ड, है ना, ऑक्सफर्ड की रानी, ये देखो ऑक्सफर्ड की रानी इस प्रकार से बनाया। अच्छा खासा लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, है ना, और ये पेंटिंग अब देख लो हम बिल्कुल एंड ऑफ द 18th सेंचुरी पे आ चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रेनॉल्ड्स के शिष्य हैं ना ओपनर, तो ये इस तरह के थोड़ा सा चित्र इनकी सबसे लोकप्रिय। कुछ कुछ चीज़ें और है यहाँ के आर्टिस्ट। लास्ट है थॉमस लोरेंस, ये एक मतलब ऐसे आर्टिस्ट थे बढ़िया, कम उम्र में बहुत ख्याति अर्जित कर ली थी। मींस इन लोग, इनके लिए एकेडमी के रूल्स बदल गए थे, ये आप ध्यान रखिए, है ना, एकेडमी के एक सर्टेन एज होती है उसमें आपको जाना पड़ता है, लेकिन कम थी उनकी एज, 25 वर्ष आयु चाहिए होती है, लेकिन वो इतना अच्छा कार्य करते थे तो उससे उनको इंसिस्ट करके उनको जल्दी एकेडमी में सम्मिलित दे दिया था। ठीक है, तो लोरेंस कम उम्र में प्रतिष्ठित कलाकार, पिता के भोजनालय चलाते थे पिताजी, वहीं पे बहुत कार्य करते थे, इनने कोयले से मुखाकृति बनाते थे, पहले छोटे थे तो बाद में उन्हें चित्रण आरंभ किया। एंजेलिका कॉफमैन, ये एक महिला चित्रकार थी, ये भी इंग्लैंड की यहीं की थी, व्यक्ति चित्रण और सज्जाकार के रूप में उनको ज़्यादा, व्यक्ति चित्रण भी किया और ज़्यादा उनको सज्जाकार के रूप में ख्याति मिली। ठीक है, मेरे को ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा था और डिटेल इनका, इसलिए सिर्फ नाम याद रखेंगे, एंजेलिका कॉफमैन फीमेल आर्टिस्ट हैं। जॉन ओपी, एनल रेमसे, जोसेफ राइट, फ्रांसिस हैमन, ऑर्थर डेविस, जोहान ऑफनी, ये भी इस समय के मशहूर कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया आपका, क्या हो गया, इंग्लैंड की तरफ से मैं समझती हूँ आर्टिस्ट हो गए 17वीं-18वीं शताब्दी के। बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत सोचना कि भैया कुछ नहीं है, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनके आर्टवर्क्स आ जाते हैं, आपको पता है रेनॉल्ड्स वगैरह इन सब के कितने आए। ठीक है, तो अब ये आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, सॉरी मैं इतनी जल्दी वीडियो नहीं ला पाती, बट मैं बस चाहती हूँ कि अच्छा से अच्छा दें आपको, इसलिए। ठीक है, तो अब अगला वीडियो नव शास्त्रीयतावाद पे, जिसका बहुत लोगों को है जल्दी, तो वो उस पे लाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड हाँ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।